नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आरटी कोड के क्या 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 है ना, जो उसके मुख्य लक्षण होते हैं। तो एंटीकोडन में क्या होता है बेसिकली, कि जो आपका जो बेस सीक्वेंस होता है ना, जो ट्रांसफर आरएनए में, जो ट्रांसफर आरएनए का जो एंटीकोडन रीजन ये है, उसके अंदर जो बेस सीक्वेंस है ये, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, तीन, दिस बेस सीक्वेंस पेयर्स विथ कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो बेस सीक्वेंस है ये एमआरएनए के ऊपर जो ट्रिपलेट कोडॉन है, ठीक है, उससे ये पेयरिंग करती है। किस प्रोसेस में? प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये क्या कर रही है कि ये इससे पेयर करती है, और इसके इससे होता क्या है, इससे है ना, जो आपका ये जो एंटीकोडॉन रीजन है, इसी के आधार पे है ना, जो ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये अमीनो एसिड को यहाँ पे लेकर के आता है। यानी क्या हो रहा है, इस कोडॉन को पहचानने का काम कौन कर रहा है? आपका एंटीकोडॉन। ठीक है, तो इस कोड को जो पहचानने का काम कर रहा है वो एंटीकोडॉन कर रहा है, और एंटीकोडॉन रीजन है ट्रांसफर आरएनए के अंदर, और ट्रांसफर आरएनए की जो रीजन है उसमें जो कौन सा है, ये एंटीकोडॉन लूप है। ठीक है, इसमें हमेशा जो थर्ड बेस होता है ना, इसको हम कहते हैं वोबल पोजीशन। ठीक है, वोबल पोजीशन क्या होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कोडोन्स एंड एंटीकोडोन क्या हो रहे हैं बेसिकली, कि कोडोन्स कुड बी प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, बट एंटीकोडोन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आरएनए एंड नेवर इन डीएनए। तो जो कोडोन है वो कहां प्रेजेंट हो सकता है? डीएनए अथवा आरएनए में, लेकिन एंटीकोडोन हमेशा प्रेजेंट कहां होगा? आपके आरएनए में प्रेजेंट होगा, कभी भी वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। कोडॉन्स आर रिटन इन 5-3- डायरेक्शन, वेरियस एंटीकोडॉन्स आर यूजुअली रिटन इन 3-5। जो कोडॉन्स होंगे ना, उनको हम लोग हमेशा 5-3- डायरेक्शन के अंदर ही लिखेंगे, जबकि एंटीकोडॉन को हमेशा हम उल्टी डायरेक्शन यानी 3-5 डायरेक्शन में हम इसको लिखेंगे, है ना। यानी क्या होगा कि 5-3 बताएंगे हम लोग, तो एंटीकोडॉन को हमेशा 3-5 बताएंगे, क्योंकि वो उससे उल्टा हो रहा है। ठीक है, एंटीकोडॉन ऑफ सम ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स हैव टू पेयर विथ मोर देन वन कोडॉन, और कुछ जो ट्रांसफर आरएनए है उनमें जो एंटीकोडॉन रीजन होता है वो एक से ज्यादा कोडॉन के साथ में पेयरिंग कर सकता है। These codons are sequentially arranged in nucleic acid strand, while anticodons are discretely present in cells with amino acid attached or not. तो ये जो codons है ये हमेशा nucleic acid के strand में है ना जो present होंगे हमेशा sequentially, और जबकि antichodon region है ये हमेशा amino acid के साथ में attached अथवा not attached वाले non attached वाले form में ये पाए जाएंगे। This codon defines which antikodon should come next with an amino acid to create the protein strand. और ये जो codon क्या करता है, antikodon region को define करता है, जो कि अगले position के अंदर amino acid को लेकर के आता है। तो जैसे क्या हो गया, codon क्या कर रहा है, antikodon region को define कर रहा है, और antikodon के हिसाब से क्या हो रहा है, आपका जो transfer RNA है amino acid को लेकर के आ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, protein strand का निर्माण होता है। Antikodon helps in bringing a particular amino acid at its proper position during translation, और ये जो एंटीकोडॉन होता है हमेशा पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लाने में हेल्प करता है, कहाँ पे, प्रॉपर पोजिशन पे, जिससे कि ट्रांसलेशन हो। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एंटीकोडॉन रीजन ट्रांसफर आरएनए को उस कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड लाने में हेल्प करता है। अब हम लोग जेनेटिक कोड की यदि करेक्टरिस्टिक देखें, मुख्य करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात है इसका मुख्य करेक्टरिस्टिक है ट्रिपलेट कोड, देन सेकंड है कोमालेस, देन थर्ड है नॉन ओवरलैपिंग कोड्स, फोर्थ द कोड डिक्शनरी, फिफ्थ डिजनरेटिव कोड्स, सिक्स्थ यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड, सेवंथ नॉन एम्बिगुअस कोड, एट चैन इनिशिएशन कोड, एंड नाइन चैन टर्मिनेशन कोडॉन्स। तो ये जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं,
आपके जेनेटिक कोड के, इनको हम डिटेल में आगे के बाद एक डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है बेसिकली कि सबसे पहली बात, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। हमेशा जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट फॉर्म में पाया जाता है, यानी तीन तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोड का निर्माण करते हैं। और जो जेनेटिक कोड होते हैं उनकी संख्या 64 कोडोन्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आप ए के बाद में ना, तो ए सी और जी, तो इन्होंने ये एक कोड बना लिया ये ना, ठीक है। और ये किसको कोड कर रहा है, थ्रियोनिन अमीनो एसिड को कोड ये कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के और एक कोडोन का निर्माण करते हैं, और वो जो कोड होता है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को हमेशा कोड करेगा। और इस तरह के जो आपके जो जेनेटिक कोड होते हैं उनकी संख्या 64 होती है, यानी इस तरह के 64 कोडोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो और क्योंकि ये 64 कोडोन्स जो होते हैं ये 20 अमीनो एसिड के लिए पर्याप्त होते हैं, अन्यथा यदि दो दो का हो तो वो 16 अमीनो एसिड के लिए पर्याप्त होगा, है ना। तो इस तरह प्रकार से है ना, जो तीन तीन जो न्यूक्लियोटाइड है वो मिलकर के एक कोडोन का निर्माण ये करते हैं। अब यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी दूसरा करेक्टरिस्टिक है। जो ये जेनेटिक कोड होते हैं हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल कैसे, कि जैसे ये ए यू जी इज द कोडोन फॉर मिथियोनिन माइटोकॉन्ड्रिया, द सेम कोडोन कोड्स फॉर आइसोल्यूसिन इन साइटोप्लाज्म, विथ सम एक्सेप्शन नोटेड द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। अब जो आपके हमेशा जो एक जेनेटिक कोड है पर्टिकुलर एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एयूजी जो है एक्सेप्शन, ये है ना जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा मिथिनिन को कोड करेगा, लेकिन ये जो कोड, ये एयूजी जो कोड है, ये साइटोप्लाज्म में हमेशा आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड को ये कोड करेगा। तो इस प्रकार से एयूजी जो कोड होता है वो इसके अंदर एक्सेप्शन होता है। अब दूसरा करैक्टरिस्टिक है नॉन एम्बिगुअस, यानी ये जो जेनेटिक कोड होते हैं इट्स ए नॉन एम्बिगुअस, दस वन कोडोन कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन अमीनो एसिड। इसका मतलब यह है कि एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को एक कोडोन कोड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो कोडोन्स होते हैं हमेशा असंदिग्ध होते हैं, यानी हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपको एक ही कोड, एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, दूसरे अमीनो एसिड को कोड वो नहीं करेगा। ये जो कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, ये नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग यानी वन बेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडोन। अब जो एक जो शुरू वाला जो कोड होता है वो हमेशा कभी भी है ना जो दूसरे के कोड के निर्माण में हेल्प नहीं करता है, हमेशा अपना ही कोड वो करता है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है कि जो कोड होते हैं वो हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। अगला करैक्टरिस्टिक है कंटिन्यूस ट्रांसलेशन। द जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट टू अ फिक्स्ड स्टॉप पॉइंट। और हमेशा जो जीन होगा वो ट्रांसक्राइब्ड होगा, ट्रांसलेटेड होगा कंटिन्यूसली, कहाँ से, एक स्टार्टिंग पॉइंट से, और कहाँ खत्म होगा, एक स्टॉप पॉइंट पे जाकर के खत्म हो जाएगा। पंक्चुएशन आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द कोडोन्स, और ये जो इसमें हमेशा पंक्चुएशन कभी भी इसमें कोडोन्स के बीच में नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो जेनेटिक कोड्स होंगे वो कंटिन्यूस ट्रांसलेशन करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट होंगे जिसको हम एयूजी कहते हैं, और एंड पॉइंट पे जिसको टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं, जैसे जो यूएए, यूएजी और यूजीए होते हैं, वहाँ पे जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस खत्म होगा। तो यानी ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का पंक्चुएशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, आगे का हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे अथवा मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।